सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। सो अभी मैं आया हूँ गोल्ड फार्म पे, और गोल्ड फार्म पे आने का रीज़न मैं बताता हूँ। देख सकते हो मेरे 41 लेवल है। भाई तू कहाँ पर है? मैं फिशिंग कर रहा हूँ। नाइस, करते रहो। सो आयरन गोलम अभी मैंने यहाँ बांध दिए क्योंकि मैं एक्सपी इकट्ठा कर रहा था, और मैं अपनी लूटिंग वाली शॉट से कर रहा हूँ एक्चुअली। तो 1 मिनट, तो देख सकते हो इतना गोल्ड हो चुका है अभी हमारे पास, और भी आ रहा है। सो अभी मैं फटाफट से और एक्सपी इकट्ठा करता हूँ, और ये गोल्ड फार्म कितना एफिशिएंट है अभी आपको पता चलेगा। वैसे मैंने अच्छे से कभी गोल्ड फार्म को दिखाया नहीं है, आज मैं अच्छे से दिखाऊंगा। तो ये गोल्ड फार्म पे मैं अभी करता हूँ, और मैं फटाफट से एक्सपी इकट्ठा करता हूँ क्योंकि आज एक्सपी की मुझे ज़रूरत है। तो 41 हो चुका हूँ मैं, तुझे पता है? बढ़िया है। 41 तो तो अभी मैं थोड़ी देर AFK हो जाता हूँ, 5 मिनट, उसके बाद मैं फटाफट XP इकट्ठा करता हूँ। आई थिंक 45 तक तो मैं कर ही सकता हूँ, और उसके बाद मैं जाऊँगा अपने ओवर वर्ल्ड में और काफ़ी सारी चीज़ें इंचांट करूँगा। और आज हम लाएंगे 20, और 20 लाएंगे। और 20 क्यों लाना है? क्योंकि उससे हनी मिलता है, और उसकी एडवांसमेंट भी है, एंड दूसरी बात ये शायद से हनी से वो जो पोशन का इफेक्ट है वो निकल जाता है, और हनी की बॉटल्स हम स्टैक कर सकते हैं, तो वो अच्छा फूड सोर्स भी हो सकता है अगर हमको फूड की रिक्वायरमेंट पड़ी तो। क्योंकि वो एक बार में शायद 3 या फिर 3.5 समथिंग कुछ हंगर बार फिल कर देता है, तो वो बहुत अच्छा फूड सोर्स है ना भाई? ये पता नहीं था वैसे मुझे। हाँ हाँ, तो अब पता चल गया, तो इसलिए लाना है अपने को 20। ओके, नीचे चल के चेक करते हैं हम। वैसे तो मैं ज़्यादा रुका नहीं, 5 मिनट तो नहीं रुका, आई थिंक 3 मिनट ही रुका हूँ मैं। पर मैं इतना वेट नहीं कर सकता क्योंकि XP लेवल अब काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं मेरे तो। ओ भाई, गिनना नहीं है, बस यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कभी ना इसमें थोड़ी बहुत वो लगाऊंगा मैं सेफ्टी के लिए बॉल्स यहाँ पर, क्योंकि बहुत रिस्की है उतरना। तो XP के लिए यहीं से हिट करना पड़ता है, और एक हिट मारता तो सब आ जाते हैं, तो इनको मारते हैं। ओके, 44, ठीक है, 3 मिनट वेट किया और 44 हो गया मैं। नाइस। तो एक्चुअली XP लेवल मेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया है, यही कारण है कि अभी मेरा XP इतना तेज़ नहीं बढ़ रहा है। अगर मैं 30 या 31 पे होता ना तो बहुत तेज़ बढ़ता। सो गाइज, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपके इसमें ये काम नहीं करता है गोल्ड फार्म, अगर आपने भी अपने वर्ल्ड में बनाया हो और काम नहीं कर रहा है, तो एक्चुअली सर्वर्स में ये काम नहीं करते अच्छे से, उसका एक सॉल्यूशन है। तो आप एक काम कर सकते हो, अपना टी प्रेस करोगे तो आपका एक कमांड सेक्शन खुल जाता है, और यहाँ पर आप एक कमांड लिखोगे जो कि हम भूल गए हैं क्योंकि जब हमने गोल्ड फार्म बनाया था तब चलाई थी वो। तो उसमें अगर आप लिखोगे कि सारे जितने भी जॉम्बी फाइट पिगलिन से उनको मार दो, ऐसी कोई कमांड होती है, गूगल पर सर्च करोगे तो मिल जाएगी। तो उस कमांड डालने के बाद आपके ये जो है गोल्ड फार्म पे स्पॉन होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये सर्वर में एक इशू है जो कि हर बार होता है गोल्ड फार्म में, और ऐसे कोई भी फार्म ले लो जिसमें स्पॉन होना होता है तो हो ही जाती है चीज़ें। तो जो भी चीज़ है जो यहाँ पर आप स्पॉन कराना चाहते हो, उसका कमांड डाल के उसको पहली बात तो किल करो अपने पूरे नेदर से, उसके बाद यहाँ पर अच्छा स्पॉन रेट हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक ही बार करना होता है, उसके बाद ये प्रॉब्लम पूरी तरह से फिक्स हो जाती है। चलो देख के आता हूँ एक और बार। आई थिंक अब मैं एटलीस्ट 49 तो हो ही जाऊँगा, 44 पे हूँ एक्चुअली मैं। मैंने बहुत देर वेट कर लिया यहाँ पर। नाइस, 46, अभी भी 44 से 46, मुझे लगा था 49 हो जाऊंगा। इट्स फाइन, रोटन फ्लैश तो इतना हो गया ना, क्लरिक की अपन झोली भर देंगे, सही बता रहा हूँ मैं। वो भाई बोलेगा कि ये तुम क्या दे रहे हो, इतना कहाँ से ला रहे हो, इतना तो मेरे पास नहीं है। तो ये वाली जो कमांड है ये डालना है, तो आपका गोल्ड फार्म चालू हो जाएगा। आई थिंक 46 लेवल बहुत है, तो अब मैं जा रहा हूँ घर पे, और अब करते हैं थोड़ी सी इंचार्टमेंट, फिर चलते हैं बीज लाने। सो एक ये वाला पेड़ है और एक ये वाला पेड़ है जिस पे हम बी नेस्ट लगाने वाले। सो ये बहुत सही चीज़ हो गई अब। तो फटाफट से इंचार्टमेंट करते हैं और चलते हैं बी का वो ढूंढने के लिए। तो फटाफट से पहली बात तो मैं चीज़ें ले लेता हूँ जो कि मेरे को इंचार्ट करना है। और हाँ, एक चीज़ और करना है कि ये जो जैसे मेरा हेलमेट है, हेलमेट पे मुझे एक्चुअली चाहिए रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन मेरे को किसी बुक पे नहीं मिल रहा, लेकिन हेलमेट पे ज़रूर मिल रहा है। तो मुझे एक डायमंड का हेलमेट बनाना पड़ेगा। ओके, डायमंड, ये रहे, शायद हेलमेट तो बन ही जाएगा, बन जाएगा। चलो बढ़िया, ये आ गया डायमंड हेलमेट, बाकी का डायमंड संभाल के रख दो। और अब चलते हैं इंचांटमेंट टेबल पे, ये रखा इस पे, देखो ये मिल रहा है रेस्पिरेशन 3, तो मुझे यही चाहिए एक्चुअली। लेकिन मैं एक बार बेस्ट इंचार्टमेंट देख लेता हूँ कि हेलमेट के लिए क्या हो सकते हैं।
सो जो सबसे बेस्ट इंचांटमेंट है किसी भी हेलमेट के लिए वो है मेंडिंग, अनब्रेकिंग 3, प्रोटेक्शन 4, रेस्पिरेशन और एक्वा एफिनिटी। सो मेरे पास प्रोटेक्शन 4 तो है जो कि मैंने अपने लाइब्रेरियन से ली थी, और एक है एक्वा एफिनिटी जो कि मैंने लाइब्रेरियन से ही ली थी, जो हमारा पुराना लाइब्रेरियन है जिसको हमने मार दिया। तो एक्वा एफिनिटी ये रही, एक्वा एफिनिटी है मेरे पास। तो सब चीज़ें हो गई आई थिंक। सो प्रोटेक्शन 4 हो गई, एक्वा एफिनिटी भी हो गई। ओके तो आई थिंक अब टाइम आ गया है कि मैं इसको इंचांट कर दूं। लैपिश निकालो और ये चीज़ इसमें, लेट्स गो। रेस्पिरेशन और प्रोटेक्शन 3 आया, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास वो है ही सही, उसकी बुक है तो बिना दिक्कत के अपन कर देंगे। तो चलो फिर शुरुआत करते। सबसे पहले मैं इसमें डाल देता हूँ एक्वा एफिनिटी, ठीक है। एक्वा एफिनिटी 5 कॉस्ट लगेगी, अगर मैं ऐसे करके डालूँ तो शायद कुछ फ़र्क पड़े। हाँ फर्क तो पड़ेगा, ये 2 लग रहा है। अब इसको मैं इससे मिला दूँ, अरे उल्टा, हाँ तो 7 लग रही है आई थिंक। अभी पहले इसको इसमें डालना चाहिए, प्रोटेक्शन 4 हो गया, रेस्पिरेशन 3, एक्वा एफिनिटी, और अब इन दोनों हेलमेट को मिला देते हैं। ये बात तो अपना पूरा हो गया, प्रोटेक्शन 4 हो गया, रेस्पिरेशन 3 हो गया, एक्वा एफिनिटी, अनब्रेकिंग 3 और मेंडिंग। हियर वी गो, मैक्सड आउट, पूरा मैक्स आउट। अब आ रही है चेस्ट प्लेट। चेस्ट प्लेट अगर मैं देखूँ इसमें, हाँ तो अनब्रेकिंग लगता है, अनब्रेकिंग 3, मेंडिंग और प्रोटेक्शन 4। थॉर्न्स 3 भी लग सकता है, लेकिन मेरे को थॉर्न्स चाहिए नहीं, पानी पी के आया हूँ। बहुत सही, जाना तो मैंने कहा मना करा इसको, पानी पीने जाओ। ओके तो ये हो गया, और लेगिंग्स पे भी यही है, उस पर भी थॉर्न्स लगता है, लेकिन थॉर्न्स मेरे को चाहिए ही नहीं क्योंकि थॉर्न्स मुझे इतना जमता नहीं है। उस पर भी प्रोटेक्शन 4, अनब्रेकिंग 3, मेंडिंग। एक स्विफ्ट स्निक करके और है, वो मैं बाद में लगाऊंगा जब मुझे मिल जाएगा तब। अब बारी है बूट्स। ये बूट्स का बहुत गंदा रोल है इस गेम में, सच में बहुत गंदा रोल है। बूट्स के लिए मेरे को बहुत माथापच्ची करनी है, तो अभी मैं बूट्स को साइड में रखता हूँ। बूट्स अभी मैं नहीं करने वाला हूँ, मैंने अपना ये तीनों चीज़ तो मैक्स कर दी, सॉरी ये 2 चीज़ मैक्स हो गई है। ये मेरी लेगिंग्स और ये बची है, इसमें स्विफ्ट स्नीक, और इसमें मेरे को पूरे 7 इंचांटमेंट चाहिए। सो ये जो हुई है ना, ये बहुत अच्छी हुई है, इसमें एफिशिएंसी 4 है, फॉर्चून 3 भी है, तो इसमें मुझे एक अनब्रेकिंग और मेंडिंग भी लगाना है जो कि मैं आज ही लगाऊंगा। लेकिन सबसे पहले, उससे पहले मुझे ये जो है, ये इस पे मुझे एफिशिएंसी 5 करना है, पता नहीं क्यों, बस मेरे मन में है तो मुझे करना है, बस करना है। ओके शवल के लिए मुझे क्या चाहिए, एफिशिएंसी 5, अनब्रेकिंग 3, मेंडिंग एंड सिल टच चाहिए। हाँ सही है, सिल टच। तो फटाफट से अपन चीज़ें लेके आते हैं। शायद मेरे पास, एक मिनट, उधर कहीं पे होगा, तू आ गया? तो ल्यूर 2 का तो कोई मतलब नहीं है, ये वाली अनब्रेकिंग ले लेता हूँ मैं, एफिशिएंसी 5 ये ले लेता हूँ, मुझे मेंडिंग और सिल टच चाहिए। ठीक है, मेंडिंग की मैं बुक लेके आता हूँ फटाफट से। उसके बाद मेंडिंग की एक्चुअली मैं 2 बुक ले लेता हूँ, और भी मैं काफ़ी सारी बुक ले सकता हूँ उससे। चलो फटाफट लेके आते। ओके मेंडिंग ये रही, मेरे पास अनब्रेकिंग तो है, मेरे को मेंडिंग चाहिए। मेंडिंग भी मैं 2 ले लेता हूँ एक्चुअली। अभी मत कर यार भाई, अनब्रेकिंग 3 और अनब्रेकिंग 3, बढ़िया, बहुत बहुत सारी ले ली, अच्छी ट्रेड होगी। मुझे एक्चुअली मिलाना चाहिए, बुक्स को मिला देना चाहिए, वो सबसे अच्छा रहेगा। ये 2 कॉस्ट लेगी शायद, 4 लेगी, ठीक है, इनको मिलाया। अब इसको मैं मिला देता हूँ मेंडिंग से। यप, मेंडिंग से मिला दो। अब इसको एक्स पे लगा दो। आई थिंक मुझे पहले शवल करना चाहिए, शवल ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या आया इस पे? एफिशिएंसी 5 आ गया, अनब्रेकिंग 3 नहीं आया है। अनब्रेकिंग 3, तो सबसे पहले अनब्रेकिंग 3 ही डालता हूँ फिर मैं। यप अनब्रेकिंग 3। ओ मेरा एनविल भी टूट गया, ग्रेट भाई, एक एनविल बना दे। ओके तो ये मेरा शवल पूरा हो जाएगा। अब बस 15 लेवल चाहिए मेरे को। आई थिंक अभी 8 लेवल हो गया हूँ मैं, तो अभी इन 8 लेवल को अपन थोड़ा यूज़ कर लेते हैं, और सबसे पहले बीज लेके आ जाते हैं, उसके बाद आगे की इंचांटमेंट करेंगे। तो ये 8 लेवल में फटाफट यूज़ करता हूँ किसी एक चीज़ में। तो अब मेरे को ये तो हो गया मेरा शवल के लिए, तो ये दोनों बुक्स हो गई शायद मेरी, कहाँ गई ये रही, एफिशिएंसी और ये। अब मुझे उसके लिए भी करना है, तो सबसे पहले मैं मिलाता हूँ अनब्रेकिंग और क्या, सिल्क टच। हाँ सिल्क टच, मेरे पास एफिशिएंसी 5 की एक और बुक नहीं है यार, मेरे को एफिशिएंसी 5 लानी पड़ेगी लाइब्रेरियन से खरीद के। कोई बात नहीं, अभी लेंगे। एफिशिएंसी 4 है ना, मैं 5 ही लगाऊंगा जब ऑप्शन है मेरे पास तो। अरे उठ जा भाई, सोने का टाइम नहीं। ये रहा एफिशिएंसी 5 भाई, बुक दे दे मेरे को, फिर तू सो जा भाई अब आराम से। मेरे को एक्चुअली इस पे मेंडिंग लगाना है सबसे पहले, पर लेवल नहीं है ना, लगेगा नहीं, वो लग जाएगा। ग्रेट, अच्छा। क्लरिक कहाँ है? क्लरिक 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 ये रहा, नहीं क्लरिक नहीं बेचता है, वो फार्मर देता है। सॉरी ये रहा, क्या
अरे गोल्डन कैरेट चाहिए थी, हो गई, चलो 32 ले ली, चल निकलते। बढ़िया है बढ़िया है। वो जो सामने की तरफ दिख रही है तेको भाई, उधर में वहां पर फूल भी बहुत है, तो आई थिंक वहां पर बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है। चल मैं चल ही रहा हूँ, देख यहाँ भी एक बार चेक करते रहना कि कभी यहाँ तेको मिल जाए कुछ। 20 20 कहाँ मिल सकती है 20? ट्राई टू फाइंड 20। आई थिंक अब देख अपन को 2 छत्ते चाहिए कम से कम। मिल जाएंगे आराम से। वही तो बात है, आराम से मिल जाएंगे तो मिलने तो सही, कहाँ है। 20 इधर ढूंढनी है भाई, मिल आ गया, जाएगी। ढूंढ के बता तब जानू। यहाँ पर बायोम ही क्या, बिर्च फॉरेस्ट? हाँ यार हाँ बायोम ही है। तो ये क्या, वो रही दिख गई कहाँ, सामने इधर, ये रहा 20 दिखेगी, नेस दिखा। नेस्ट है इनका, पर लेकिन इसमें सारी 20 जानी चाहिए, वही तो बात है। तो कुछ लाया कैंप फायर वगैरह? नहीं, तूने ओके कब बोला? ओके ओके, वो जा रही है अंदर, रुक रुक, आई थिंक गई। ये बात, तीनों के तीनों अच्छा, इसके 20। अंदर 3 B हो गए ना फिर। हाँ इसमें कुछ दिखा नहीं रहा है वैसे कि बी कितनी है, पर मेरे को एडवांसमेंट तो मिल ही गई। चल एक और ढूंढना है, और ये वाली तू ले लेना तो तेरे को भी एडवांसमेंट मिल जाएगी, उधर ही होगे। चल हाँ यार ले, चल यार थोड़ा हेल्प कर, थैंक यू। बस वो रहा। मिल गया, वाह यार बहुत वाह। आसान है देख भाई, देख, 3 B रुकना रुक रुक रुक, ये इनको जानते, फिर लेना। दिख गई मुझे अरे आसपास ये रही, वैसे। अरे अरे ये गई इसमें, ये इसको तोड़, इसको तोड़ इसमें। एक और है, एक और है, एक और है। हाँ अरे वो उधर की होगी भाई, वो इधर की नहीं होगी, तोड़ लिया दो टैग है, क्या? 2 ही 20 है इसमें। दो कहाँ लिखा है तेरे इसमें, कैसे लिखा रहा है? और तेरे को एडवांसमेंट क्यों नहीं मिली? क्योंकि इसमें 2 ही 20 है। अरे अरे एडवांसमेंट यार, क्योंकि इसमें 2 ही 20 है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा हाँ ऐसा ही हाँ हाँ है। हाँ तो उधर जा, ये बाहर नहीं आ जाए। हाँ वैसे रात को अंदर ही जाती है। गई गई गई, ले 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 ले, तीनों हाँ हाँ जा तो ले। ये बात नाइस, अभी मेरे निकली। पास भी 3 है, नाइस। अभी भी 2 ही टैग दिख रहे हैं, मतलब देख नहीं सकते हैं। नहीं सो टैग जाए दिख जल्दी। क्या बिस्तर लगाया भाई, क्या बिस्तर लगाया मतलब वो नहीं होते, वो गांव के लोग कहते हैं भाई बिस्तर लगा तो रात हो, कोई ऐसा इतना प्रोफेशनल बिस्तर लगाया तूने, दादे मेरे को ऐसा बिल्कुल ही, मतलब छत्ता उठाया, पलंग लगाया और लेट गया चलो घर। चल एक और देख लेते हैं, ठीक है आसानी से मिल रहा है तो। ठीक, अरे यहाँ पे 20 B है, लेकिन 20 का नेस्ट नहीं दिख रहा। होगा ना वही कहीं, देख। इसी का पीछा करूंगा मैं। हाँ ये रही, मेरे को भी दिख गई, यहाँ पर अरे भी हाँ, है। ये रही, एक नीचे भी है। हाँ ये पेड़ में लगा होगा फिर, छत्ता देख, गिरा भाई। हे नाइस। हाँ एक मिनट थोड़ा खोद इसको, ये ले, ये देखिए ये फूल से अट्रैक्ट होती है दुई, देख इसको भी लाता हूँ मैं, आ जाओ। मैं भूल गया था, जाओ इसके अंदर जाओ, कुछ अंदर। इसमें से कुछ कर रही है भाई, लेने दो उनको आराम से। रस क्या ले रही है इसमें से ये दोनों पी रही है भाई। तू जरा साइड हो ना, यहाँ से बैकग्राउंड से हट जा पूरा, स्क्रीनशॉट मिल गया, बढ़िया। चलो अब घर चलते हैं, हाँ चल, रास्ते में मिल गया था, एक और ले लेंगे। हाँ और क्या, सही तो बात है। फूल ले लूँ मैं एक मिनट, किधर है घर, चलो इसको भी उठा लो। 400 700, चलो इधर है। ओके फाइनली घर आ गए। हाँ लेकिन ऐसा लगाना जैसे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, थोड़े ओके बता डिजाइन में बता, एक कहाँ लगाऊँ? नहीं एक एक नहीं, लगा सुन दे, सुन, दो इस पे लगा देता हूँ। एक यहाँ लगा सुन दे। सुन सुन, एक देख, एक तो यहाँ लगेगा पक्की बात, और एक एक कहाँ लगाऊँ? ठीक वो वाला मैं इधर लगा देता हूँ एक यहाँ लगा दे। इधर, अरे इस पे
उस पे भी लगा दे, हाँ चलेगा। हट यहाँ पर। सुन ये जो ये ना ये पत्तियां हटाओ यार, ये पत्तियां मत रखा, यहाँ फूल रखाओ, देखने में अच्छा अरे लगेगा। भाई अरे ऐसा नेचुरल फील आ रहा है भाई ऐसा। अरे ज्यादा मत लगाओ, ये कह रहा हूँ मैं। अरे इनका वो भी तो बनाना है, क्या सॉरी भूल गया था, इनका वो एक आर्टिफिशियल छत्ता। भाई बचाओ, गलती क्यों मार दिया क्या तूने? से हाथ से हिट कर दिया भाई, अरे आराम से, शायद बहुत ज्यादा टपक रहा है। 1 मिनट, ठीक है, 3 कैंप फायर आ गई। देख अब इसका लॉजिक ये है कि शहद लेना है या फिर कुछ भी लेना है तो इसके नीचे एक कैंप फायर लगाना जरूरी है। ये इस ऐसे करके, ये ऐसे करके, समझा? देख इधर पीछे, अच्छा समझ गया, पता है मुझे। ऐसे करके। अब देख, अब मैं इस पर ऐसा कर लूंगा ना तो बी नहीं भड़क, ये मेरे पे नहीं भड़केगी ये। तू भी लेगा? ये ले, देख ये ले। नाइस। एक बार में क्या लेके बॉटल भर आती है। हाँ क्योंकि छत्ते कम है इसीलिए। अच्छा मैं ये कह रहा था कि अपन को हनी कॉम्ब भी लेना पड़ेगा तो अपन और भी छत्ते बना सकते खुद से। बना ले भाई, 1 मिनट, इनका वो ये थोड़ा हनी बनाएंगे ना तब अपन को हनी कॉम्ब मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। हाँ इस पे बस राइट क्लिक ही तो करना है। नहीं, हनी कॉम्ब बनना। अरे तो हनी होगा तभी तो हनी कॉम्ब मिलेगा। अच्छा फिर से बनाने का वेट करना पड़ेगा और ये बहुत जल्दी कर देंगे। ना, अपन ने फ्लावर्स इतने सारे लगाए ना इसलिए। और इसमें ओह शिट, काटेगी क्या भाई? तू क्या कर रहा है? तूने क्या करा ये? ओह मेरे को अब मिला हनी, मेरे को मिल गया हनी कॉम एक्चुअली। मिल गया 3 मिला है। बी हाइव बोलते इनको। ओके बी हाइव्स, इसमें रहती है ऐसा। हाँ ये अपना आर्टिफिशियल घर है इनका एक्चुअली, जो कि इंसानों ने बनाया है। एक एक उस पर लगा देता हूँ पीछे बस। ठीक सो गाइस, हम 20 तो लेके आ गए और इनका एक घर भी बनाया है जिसे बी हाइव कह रहे हैं। और 1 मिनट, इनको हम थोड़ा ब्रीड करने का ट्राई करते। ओ ये रहा इसका छोटा बच्चा, देख कितना क्यूट है। एक तू खा और एक तू खा, बढ़िया। अब इनका भी कुछ छोटा सा वो आ जाएगा। वो वाली 20 तो ऊपर ही ऊपर चली गई, पता नहीं कहाँ, बहुत दूर निकल गई वो तो। चलो वो छत्ते पे लौट आई है आई थिंक। चलो अपने को क्या, अपन ने अपना काम कर दिया। एक गिलास बॉटल ले। ओके अपन ने अपना काम कर दिया। सो गाइस अब मैं जा रहा हूँ गोल्ड फार्म पे, क्योंकि हम 20 तो लेके आ चुके हैं और जो हमारी बची हुई इंचांटमेंट है, जो कि हमारी एक्स है और जो हमारा शवेल है, उसको इंचांट करना है। तो आई थिंक मेरे को अभी 30 लेवल से ऊपर ही चाहिए, क्योंकि वो उसमें इंचांटमेंट जो कॉस्ट लग रही है वो काफ़ी ज़्यादा है इसीलिए। और आई थिंक मेरा काफ़ी हद तक सब कुछ इंचांट हो चुका है। ऑलराइट चलो, इस पर एक्चुअली मेंडिंग लगाए तो पता नहीं कैसा होगा इस पर। वैसे मैं थोड़ा एफ के हो जाता हूँ, इस पर मेंडिंग लगाए तो सारी एक्सपी इसमें ना चली जाए। वैसे ये फुल एचपी पे तो मुझे नहीं लगता इसमें एक्सपी जाएगी। ओके तो यहाँ थोड़ी देर एफ के होते हैं। ओहो नाइस, भीड़ लगी अच्छी खासी। आई थिंक मैं 12 लेवल तक तो पहुंच ही जाऊंगा, जिस हिसाब की यहाँ पर क्वांटिटी है पिगलिंस की। ओके ओ 14, नॉट बैड। 19, ओके ग्रेट, 19 पहुंच गया हूँ मैं, बहुत सही। ओके गाइस तो अभी मैं लेवल 40 पे आ गया हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 41 आने वाला हूँ मैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगता है यार गोल्ड फार्म में भी। आई थिंक मेरे को अभी 20 मिनट लग गए 40 तक आने में, जो कि ठीक है यार, इट्स फाइन यार, ठीक है। अब इससे ज़्यादा कर भी क्या सकते। एक एंडरमैन फार्म भी होता है लेकिन वो ऑब्वियसली एंड में ही बनेगा, तो उसका कोई सेंस नहीं उस चीज़ के बारे में बात करने से। सो मन में ख्याल आया कि ये जो 40 जो लेवल हुए हैं ये 20 मिनट्स में हुए, तो अगर हम जो हमारी गोल्ड फार्म की जो लेवल्स है ना, उसके जो फ्लोर है,
वो अगर मैग्मा क्यूब का अगर हम 1 या 2 फ्लोर भी और इंक्रीज़ कर दे तो वहाँ स्पॉन रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऑलमोस्ट 300 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको और ज़्यादा गोल्ड और एक्सपी मिल सकता है, ये मेरी सोचने में आया है अभी। लेकिन वो सर्वर में हमारा हैंडल कर पाएगा या नहीं, ये मुझे नहीं पता है। तो एक बार हम ट्राई ज़रूर करेंगे और वो चीज़ हम ऑफलाइन बैठ के बनाने का ट्राई करेंगे। और ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये हम दोनों ने ऑफलाइन बैठ के सब किया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये नेक्स्ट एपिसोड में आपको पता चलेगी। अभी हम इंचार्टमेंट पे ध्यान दे रहे, तो सबसे पहले इंचार्टमेंट कर लेता हूँ मैं। ओके, तो सबसे पहले एक्स को करना है, इसमें मेंडिंग ऑलरेडी लगी है, इसमें अनब्रेकिंग हो जाएगा मेरा, एफिशिएंसी 5 हो जाएगा, एफिशिएंसी 5 की बुक ये रही। और फॉर्च्यून तो चाहिए नहीं मेरे को, सिल टच चाहिए एक्चुअली, मुझे शार्पनेस चाहिए। शार्पनेस मेरे पास है तो मैं सोच रहा हूँ लगा ही दूँ, क्या जा रहा है उसको लगाने में, क्योंकि है ना भाई। तो सबसे पहले क्या लगाऊँ, ये तो इसमें 16 कॉस्ट लगेगी, पहले ये लगाता हूँ मैं, एफिशिएंसी 5। ओह टूट गया, कोई बात, इट्स फाइन, हम एक और बना सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगी मेरी पिकैक्स, सॉरी एक्स, जो कि कंप्लीट हो जाएगी। ऑलराइट, सो ये भी अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है मेरी ये एक्स। अब बचता है ये शावल, शावल में एक्चुअली ये रहा, आई थिंक मैं इसको कर सकता हूँ अभी भी। 15 कॉस्ट लग रही है, मैं 16 पे आ गया। ओ भाई मैं 41 से सीधा 16 पे आ गया हूँ इतना जल्दी। आर यू किडिंग मी यार, बहुत ज़्यादा एक्सपी लेता है यार ये तो। हूँ पसीना आ गए भाई। मैं फॉर्चून नहीं लगाना चाहता हूँ इस पर, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो हमारी ये दोनों चीज़ भी अब प्रॉपर हो चुकी है। अब बस एक चीज़ और बचती है कि ये जो मेरी चीज़ है ना, कहाँ गई वो, एक मिनट। ओके, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो हमारी ये जो पिकैक्स है इस पर एफिशिएंसी 5 लगा दूँ, तो क्योंकि ये सिल टच वाली पिकैक्स है और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैं सोच रहा हूँ इसे भी मैं मैक्स कर दूँ, जैसे मैंने अपनी वो वाली मैक्स करी है। और ये जो मेरी हुई है ना, ये काफ़ी अच्छी हुई है, इसमें भी एफिशिएंसी 4 लगा हुआ है, और इसको भी मैं एफिशिएंसी 5 बनाऊंगा। इस पर फॉर्च्यून है जो कि मेरे को चाहिए, क्योंकि मेरे को अपने जो वीट्स वगैरह है ना, जो कैरेट है, नहीं वीट पे काम नहीं करता एक्चुअली, कैरेट और पोटेटो पे बहुत अच्छी क्वांटिटी दे देता है ये, इसीलिए। तो इस पर मैं मैंडिंग लगाऊंगा, इस पर अनब्रेकिंग लगाऊंगा और एफिशिएंसी 5 लगा दूंगा, तो ये आई थिंक बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन लेवल ही तो नहीं है ना, वही तो बात है, लेवल इकट्ठा करना है। आई थिंक अब मेरे को थोड़ी सी ट्रेडिंग कर लेना चाहिए, तो शायद मेरी ये एक्सपी वापस आ जाए। तो कोशिश करता हूँ, और मेरे काफ़ी सारे रिसोर्सेज यहीं पे रखे हुए हैं, तो यहीं से ही मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ। तो ये पोटैटो रखे हैं हमारे, थोड़े से बेच के देख लेता हूँ कि ये तो बीट रूट वाला है, हट, जो कि 1 पोटैटो ये रहा, वही मैं बोलूँ यार, ये रहा, नाइस 7 आ गया मैं, चलो बढ़िया। एक और होगा, 4 में ले ले, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, 10 लेवल आ गया मैं, बढ़िया। तू भी ले ले, कौन सा था वो, तू था ना, नहीं तू नहीं है, तू सो जा भाई, हाँ ये है, तू भी ले ले भाई, 48 एमरल्ड्स। देख सकते हो ये जो चीज़ करने का यही फ़ायदा है। अब ये जो महंगी हुई है ना, अगर हम यार रेट करा देंगे तो ये वापस 1 पे ले आएगा। बहुत सही चीज़ है जो कि, अरे हाँ रॉटन फ्लैश भी पड़े हैं मेरे पास, ये भी बेचना है मेरे को। तो मैं अपनी एक्सपी फटाफट से वापस लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक मिनट, यहाँ क्लरिक भी होगा ना, ये रहा, मैं इसे रॉटन फ्लैश बेचूँ सबसे पहले, नाइस, और भी होंगे क्लरिक, ये रहा एक, ले ले भाई चलेगा, तू जितने में ले रहा है तू ले ले, भले एक नहीं भी होगा तो भी चलेगा, 10 ना ठीक है भाई, ले ले कोई दिक्कत नहीं है, 10 में ले ले, अरे देते जा तू, बात सही, ये तू आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ था, ओके अब ठीक है, 18 आ गया मैं, नाइस यार, ग्रेट, ये भी एक अच्छा सोर्स है एक्सपी का, मजे आ गए। माल तो बहुत भर रखा है अपन ने, उसकी टेंशन नहीं है, माल ही माल है। ये रहा कैरेट वाला, दे तो भाई, 20 बस 20 पे ख़त्म हो गया है, तो तू भी ले ले भाई, थोड़ा दे दे, देते रहे भाई, देते रहे देते रहे, अरे देते रहे, अरे गजब भाई, अरे रुक जा अभी दे रहा हूँ यार, देखो मैं ला के, ऐसा तो हो नहीं सकता, कहाँ की कैरेट ये रही, ऐसा हो नहीं सकता कि ख़त्म हो जाए। ओके ये भी दे दे थोड़े से, और इसको भी खरीद, ठीक है, मेलन तू भी ले सकता है थोड़े से, चलो 23 आ गया मैं, ग्रेट। और तू स्टॉक में आया, नहीं अभी तो नहीं आएंगे क्योंकि सो रहे हैं, अरे यार सोना नहीं होता है, सो क्यों जाता है ये बंदा। ओके वीट भी ले रहा है, वीट भी मैं बेच देता हूँ अभी, रुको तो, और क्या बेच सकता हूँ मैं, और मैं हाँ ये भी तो बेच सकता हूँ, वीट भी काफ़ी सारा है वैसे मेरे पास, वीट बेचते जो वो 1 एमरल्ड में वीट ले रहा है ना, उसको बेचेंगे ये वाला, ये बात, 25 हो गया मैं,
नाइस यार, कितना अच्छा लग रहा है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है भाई। कितनी मस्त चीज करी है ना हमने, मतलब या तो हम विलेजर को लूट रहे हैं या तो हम हमारा फायदा कर रहे हैं, पता नहीं, पर बहुत मजा आ रहा है ये चीज करने में। यार तू स्टॉक में आ जा मेरे भाई। चल एक काम करता हूँ, पम्पकिन बेचता हूँ, पम्पकिन भी तो रखे मेरे पास यार। नाइस, और कोई फार्मर तू है, तू भी खरीदेगा ले भाई, खरीद। और कोई फार्मर, ये रहा, तू भी खरीदता है ना पम्पकिन, तो ये बात। 27 यही आ गया मैं, लेट्स गो, बेस्ट चीज है। और एमरल्ड देखो भाई, कितने एमरल्ड हो गए मेरे पास, वाह यार मजे आ गए। और तू पटेटो वाला है, चल देखो मैं कर लेता हूँ तेरे से भी मैं ट्रेड, ठीक है, महंगा लिया पर कोई बात नहीं। 28 आ गया मैं, बहुत सही भाई, बहुत सही। ओके पेपर भी है मेरे पास शायद, अभी पेपर होंगे ना, हाँ पेपर भी तो है, लेट्स गो। दे भाई दे दे, दबा के दे दे। अरे यार खत्म भी तो हो जाइए, चलो ऊपर अपने लाइब्रेरियन भी तो है, उनसे ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। मैं 30 लेवल होना चाहता हूँ बस, बात ये बात। तू उठ, नहीं यार तू नहीं, चल ठीक है ले ले तू। हाइट हो गया मैं, बढ़िया। ये भी ले सकते हैं क्या कि नहीं लेते हैं, नहीं तू लेगा, हाँ तू भी ले ले, चल पेपर ही तो है, बेचो महंगाई सही। ओके 30 लेवल हो गया मैं, बहुत सही भाई। अब शायद अपन कुछ कर सकते होंगे, सबसे पहले मैं वापस रख दूँ। ओके जो हमारे गोल्ड के बूट्स है ना, मुझे इससे भी थोड़ा बहुत इंजॉय करना है। उसका रीज़न ये है कि कभी कभी हम वहाँ जाते रहते हैं नेदर में, सो वहाँ जब हम जाते हैं तो हमको गोल्ड पहन के जाना पड़ता है। ओ भाई एमरल्ड एमरल्ड मज़े आ गए। ओके तो मैं अब बुक्स खरीदने आया हूँ, और मुझे एक्चुअली क्या चाहिए, मुझे मुझे यहाँ से ना अनब्रेकिंग और ये रिमेंडिंग चाहिए। दो एक तो एक्चुअली दे ही दो, और भी दे दो यार, जितनी है दे दे भाई तू तो। मेंडिंग तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये जो चीज़ है इसको मैं लगाता हूँ, इसमें एफिशिएंसी 4, और इससे बन जाएगी एफिशिएंसी 5, तो ये बहुत अच्छी पिकैक्स हो गई अब, ठीक है। अब मुझे एक्चुअली ये भी चाहिए, तो इसमें मुझे क्या लगाना है, इसमें मेरे को लगाना है एक्चुअली अमेंडिंग एंड देन अनब्रेकिंग, अनब्रेकिंग 3। ग्रेट, बढ़िया भाई, तो ये भी अब अच्छी हमारी हो गई है, एफिशिएंसी 4, बढ़िया प्रोटेक्शन के साथ, बढ़िया भाई, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। ये लो और इसमें ये लगा दो एफिशिएंसी, प्रोटेक्शन 3 मेरे को चाहिए भी नहीं, एफिशिएंसी 5, फॉर्चून 3, अमेंडिंग एंड अनब्रेकिंग 3। ग्रेट यार, बहुत सही काम हो गया है। तो सो गाइस यही थी आज की वीडियो, होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट एपिसोड में हम एक एक्वेरियम बनाने का सोच रहे हैं, थोड़ा सा प्रोजेक्ट दिमाग में है, तो वो हम बनाएंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में। सो होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चल तू भी बाय बोलो। बाय बाय। ओके बाय।